नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमसेक श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो क्रैब के बारे में। हम पूरे तरीके से जानेंगे एल्गो क्रैब क्या है, कैसे काम करता है और किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की बार बार डिमांड आ रही है, वो समझ नहीं पाते कि एल्गो क्रैब प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, क्या क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में। तो आज हम इसमें इस वीडियो में डिटेल्ड बताएंगे आपको कि एल्गो क्रैब क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो व्यूवर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर ट्रेडर्स पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि ये एल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एल्गो क्रैब का जो प्लेटफॉर्म है वो एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? एल्गो ट्रेडिंग यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, यानी कि अपने आप होने वाली ट्रेडिंग। अब बहुत सारे लोग इसमें ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, तो सारा का सारा काम जो है वो आपका सॉफ्टवेयर ही कर देगा, हमें कुछ नहीं करना क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, आपको ये डिसाइड करना होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कि कितने नंबर ऑफ सिंबल्स पे आपको ट्रेड करना है, क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी होगी, स्टॉप लॉस टारगेट के लेवल्स जो हमने दिए हैं उनमें से स्टॉप लॉस टारगेट्स चूज करने होंगे और अपनी कैपिटल के हिसाब से आपको सिंबल सिलेक्ट करने होंगे, तब आपका ट्रेड होता है ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी हम एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है API बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा की जाने वाली ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोकर्स हमें API प्रोवाइड करते हैं वो API सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड होती है, तो हर 24 घंटे बाद हमें दोबारा से API लेनी पड़ती है, टोकन लेना पड़ता है ब्रोकर से। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है कि जब हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वो हमें एक API की और एक सीक्रेट देता है। उस API की और सीक्रेट जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो ब्रोकर हमें अलाउ कर देता है कि अब हम बाहर से किसी भी API को URL को हिट करके आपको जो है एल्गो ट्रेडिंग करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ब्रोकर हमें 24 घंटे के लिए वो एक्सेस देता है और उस एक्सेस को हम यूज करते हैं अपनी एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एल्गो ट्रेडिंग हो पाता है। अब हमारे पास 12 अलग अलग ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग, जिनमें कि सबसे पहला है एंजल ब्रोकिंग, उसके बाद है एलिस ब्लू, उसके बाद है जीरोधा, उसके बाद है जीबू, सैमको, मास्टर ट्रस्ट, इंदिरा सिक्योरिटीज, ट्रेड स्मार्ट, बसन, इंदिरा और आपका ट्रेड ट्रस्ट लाइन, मास्टर ट्रस्ट, ये सारे ब्रोकर्स इसमें हमने ऐड करे हैं, इनके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है और हमारा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है उसके बारे में आप डिटेल डिस्कशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो एल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म है वो है एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ इस पे जो ट्रेडिंग हम प्रोवाइड करते हैं एल्गो ट्रेडिंग, वो दो तरीके की एल्गो ट्रेडिंग होती है दोस्तों। सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है कि ट्रेडिंग विद मोबाइल या फिर ट्रेडिंग विद आर प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। पहला ट्रेडर वो जो टेक्निकल एनालिसिस को जानता है, जो चार्ट ट्रेडिंग को जानता है, जिसके पास अपनी कुछ स्ट्रेटजीज हैं या नहीं है तो बेसिक स्ट्रेटजीज यूज करता है, जैसे मान लो मूविंग एवरेज यूज करता है, सुपर ट्रेंड यूज करता है। तो एक तरीके का ट्रेडर वो होता है जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरी जानकारी रखता है, और दूसरी तरीके का जो ट्रेडर होता है वो ऐसा होता है जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, जिसको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता। तीसरा ऐसा भी ट्रेडर होता है जिसको टेक्निकल एनालिसिस तो आता है लेकिन वो जॉब करता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है कि वो बैठ के पूरा दिन ट्रेडिंग कर सके या चार्ट देख सके, क्योंकि अपना पर्सनल काम जो कि ऑफिशियल वो काम करते हैं वो करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके के ट्रेडर्स के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पे आपको मिलती है 8 प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेडिंग, यानी कि आप 8 प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज के थ्रू चूज कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेटर है, कौन सी स्ट्रेटजी में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन सा सिंबल हमारा फेवरेट सिंबल है और इस स्ट्रेटजी में ये बढ़िया काम कर रहा है तो हम इस स्ट्रेटजी में करेंगे। इसको मैं ब्रीफली दिखाऊंगा जब मैं आपको चार्ट के अंदर दिखाऊंगा, जब मैं आपको ब्राउजर पर ले जाऊंगा, वेबसाइट पर लेके जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दूसरी तरीके का जो ट्रेडर मैंने आपको बताया जिसमें कि आपको चार्टिंग करना आता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, सब कुछ आता है, उस तरीके के ट्रेडर के लिए, उन सब ट्रेडर्स के लिए हमने बनाया है ब्रिज।
ब्रिज का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रिज का मतलब होता है कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म से सिग्नल को उठाना और अपनी एपीआई इंटरफेस को यूज करके उसको ब्रोकर के टर्मिनल पे भेज देना। एग्जांपल के लिए अगर आप कोई एमई ब्रोकर यूज करते हैं या मेटा ट्रेडर यूज करते हैं और मेटा ट्रेडर में आप यूज करते हैं मान लीजिए सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर, तो सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है वो आपको बाय और सेल के सिग्नल्स देता है, ठीक है। तो वो सिग्नल्स पे आप चाहते हैं कि ये सुपर ट्रेंड का जब भी सिग्नल आए तो मेरा ट्रेड जो है मेरे ब्रोकर तक पहुंच जाए। क्योंकि क्या होता है, जनरली मान लो आपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो और उसमें सिग्नल आया, अब आप सिग्नल देखोगे, अलर्ट मिलेगा, फिर आप भाग भाग के जाओगे अपने प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे, और फिर वहां पर प्लस का बटन या माइनस का बटन दबाओगे ट्रेडिंग करने के लिए, एंटर मारोगे, उसमें 3-4 सेकंड 5 सेकंड आराम से, कभी कभी 10 से 15 सेकंड भी चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि स्लिपेज आ जाती है बहुत सारा, मतलब आप 100 रुपये पे बाय करना चाह रहे थे, अब पर प्राइस जो है 101 हो गया या 102 हो गया, तो वो 2 रुपये का नुकसान हो जाता है। उससे बचने के लिए एल्गो ट्रेडिंग करी जाती है। तो अब क्या होगा कि अगर आप सुपर ट्रेंड यूज करते हो और आपने सुपर ट्रेंड का चार्ट लगाया हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ही चार्ट में सिग्नल बनेगा फटाक से हमारा प्लेटफॉर्म जो उसको रीड करेगा और आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पुश कर देगा। इसको बोलते हैं ब्रिजिंग दोस्तों। तो दूसरी चीज जो हमारे प्लेटफॉर्म में है एल्गो क्रैब में है, वो है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मेटा ट्रेडर यूज़ करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, अगर आप एमी ब्रोकर यूज़ करते हैं, या कोई और भी प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं, तो आप ब्रिजिंग के थ्रू अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हम लोग अपने एल्गो क्रैब प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करवाते हैं। पहला उनके लिए जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, दूसरा उनके लिए जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता या फिर टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, चार्टिंग करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं एक और चीज़ दोस्तों। कई बार लोगों के दिमाग में कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जिन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके वो एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं प्राइस रेंज ब्रेकआउट पे काम करूँगा, यानी कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मान लीजिए सुबह जब मार्केट खुलेगी 9:15 बजे, तो 9:15 से 9:30 की जो कैंडल है, पहली कैंडल 15 मिनट की, जब वो कैंडल के ऊपर प्राइस जाए तो मेरे को बाय करना है, जब वो कैंडल के नीचे प्राइस जाए तो मेरे को सेल करना है। सपोज करिए इस तरीके की मेरी पर्सनल कोई स्ट्रैटेजी है, तो अगर मैं उस स्ट्रैटेजी को चाहता हूं कि मैं इस स्ट्रैटेजी को बनवाऊं, इसको डेवलप करूं और डेवलप करने के बाद इस स्ट्रैटेजी को यूज करूं, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इंडिकेटर से हो, चाहे वो प्राइस एक्शन से हो, चाहे वो अलग किसी और गैन के फॉर्मूला पे हो या फिबोनाकी के फॉर्मूला पे हो, तो आप उनको डेवलप भी करा सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म पे आपको हम फैसिलिटी देते हैं कि आप कोई स्ट्रैटेजी अगर अपने पास है तो उसको डेवलप करा सकते हैं और डेवलप करा के उसको यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म में। सिंपली आपको जो ब्रिजिंग का प्राइस है वो पे करना है और वन टाइम कॉस्ट पे करनी है आपको स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप उसको करते हैं, तो उसके हिसाब से वो आप पे करके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि एल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो ज्यादातर ट्रेडर पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इसमें कितना कैपिटल लगाने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आपके खुद के ही पास होता है। देखिए अगर आप किसी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हैं और इंट्राडे बैंक निफ्टी का जो मार्जिन है वो मान लीजिए 90,000 लगता है, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में 1,20,000 से 1,30,000 रुपये हैं तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग आराम से कर पाएंगे। अगर आप 90,000 जो उसके उसका रिक्वायर्ड मार्जिन है, अगर आप उतना ही मार्जिन रखते हैं अपने अकाउंट में और मान लीजिए एल्गो से आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ और पहली ट्रेड में ही आपका 2 से 2,500 का नुकसान हो गया, मान लीजिए अब आपका 90,000 से कैपिटल घट के हो गया 87,000। तो अब जैसे 87,000 का कैपिटल हो जाएगा, तो अगला जब ट्रेड आप डालने जाएंगे, जब हमारा एल्गो वहां पर अगला ट्रेड डालेगा, तो वो ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा ब्रोकर की साइड से, क्योंकि वो कहेगा कि मार्जिन ही अवेलेबल नहीं है जितना रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से ट्रेड जो है वो नहीं होगा। तो जनरली क्या है कि मान लीजिए आपका कैपिटल 1,00,000 रुपये आप रखते हैं, तो आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जिनमें मार्जिन 70,000 से 80,000 लगता है, क्योंकि कुछ एक्सेस कैपिटल आपके पास होना चाहिए अकाउंट में, ताकि अगर फर्स्ट या सेकंड ट्रेड में इनिशियली लॉस हो जाता है तो भी आपका फंड जो है वो अवेलेबल रहे, ठीक है। तो इसलिए फंड की जो रिक्वायरमेंट के बारे में लोग पूछते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए जिस कैपिटल, जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसमें जितना भी मार्जिन रिक्वायर्ड है, उस मार्जिन से आपको कम से कम 30% से 40% एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में रखने की जरूरत होती है। अगर आप रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे आपका कोई भी ऑर्डर रिजेक्शन में नहीं जाएगा और आपकी एल्गो ट्रेडिंग नहीं रुकेगी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं वो ये है कि आपका सॉफ्टवेयर कौन कौन से एक्सचेंजेस में काम करता है।
तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एनएससी में काम करते हैं, अगर आप एमसीएक्स में काम करते हैं, अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक करेंसी में हम लोग ट्रेडिंग प्रोवाइड नहीं करते, उसके अलावा सारी चीज़ों में हम प्रोवाइड करते हैं। एनएससी, एमसीएक्स और आपका फ्यूचर, इन सब में ऑप्शंस में भी आप कर सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप एल्गो ट्रेडिंग हर एक तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपका एक्सचेंज है जिसमें आप ट्रेड करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करूँ मैं, कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लिए बढ़िया है। तो उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें हमने दिखाई हुई हैं, कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं और आपको अच्छे से पता भी लग जाएगा किस तरीके से करना है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और चलते हैं एल्गोक्रैब प्लेटफॉर्म की तरफ और जाकर प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, कैसे कैसे हमें फर्दर आगे बढ़ना होता है अगर हम एल्गोक्रैब के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस दिन भी आप एल्गोक्रैब पर रजिस्टर करते हैं उस दिन से आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल दिया जाता है एल्गोक्रैब की तरफ से, जिन 6 दिन में आप हमारी सारी की सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। उन 6 दिन के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं जो सर्विस आपको अच्छी लगती है उस सर्विस का आप सब्सक्रिप्शन पे करके उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों आपको जाना है वो जाना है एल्गोक्रैब के प्लेटफॉर्म पे। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एल्गोक्रैब का प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है दोस्तों लॉगिन के पेज पे। जैसे ही आप लॉगिन के पेज पे क्लिक करते हो तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है एल्गोक्रैब में तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं है तो आप नीचे क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करते हैं, ये आपसे डिटेल मांगेगा, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। ये डालने के बाद जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करेंगे, आपको एक और विंडो खुली दिखेगी। उसमें आपसे बोलेगा कि आप अपने ईमेल जाइए और जाके वेरीफाई कर दीजिए। आपको अपने ईमेल अकाउंट पे जाना है, रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट पे, और अकाउंट को वेरीफाई कर देना। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको वो रीडायरेक्ट करके हमारे पेज पे लॉगिन पे ले आएगा। लॉगिन पे आने के बाद आपको अपनी डिटेल्स डाल के उसको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे आपको इस तरीके की एक विंडो दिखाई देगी दोस्तों। इस विंडो में सबसे ऊपर दिख रहा है कि टोटल कितने सिग्नल आए हैं मई के महीने में, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है और टोटल एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो ये एक्यूरेसी वगैरह की डिटेल्स जो वो आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटजीज मिलेंगी। हर स्ट्रेटजी पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कौन सी स्ट्रेटजी इंट्राडे है, कौन सी स्ट्रेटजी पोजिशनल है। ये चीज़ आपको ध्यान से देखने दोस्तों, इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इंट्राडे वाली स्ट्रेटजी को चूज करना है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो ही आपको पोजिशनल ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी को चूज करना। जैसे कि इसमें आप देखिए ईगल, इंट्रामैक्स, सुपर ट्रेंड, ये सारी इंट्राडे की स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, इंट्राडे और पोजिशनल के लिए यूज होती है। वहीं अगर आप बात करेंगे ट्रेंड ब्लास्टर और मार्केट हैकर की, तो ये दोनों स्ट्रेटजी पोजिशनल के लिए यूज होती है, यानी कि इंट्राडे यूज नहीं होती हैं ये स्ट्रेटजीज। अब आने के बाद ये 8 अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि मैं कैसे चूज करूँ, कौन सी स्ट्रेटजी बढ़िया है, कौन सा सिंबल बढ़िया। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, या आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मेन्यू में जब आप जाएंगे तो आपको स्ट्रेटजीज के टैब पे आपको मिलेगा यहाँ पर एक हीट मैप का सेक्शन। ठीक है, ये दोस्तों चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो हीट मैप के सेक्शन पे जब आप आ जाते हैं तो वहाँ पर राइट साइड में टॉप पे आपको एक बटन मिलता है जिसमें लिखा है कि सिलेक्ट करिए स्ट्रेटजी को। तो अब हम यहाँ पे से क्लिक करने के बाद स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं, किस स्ट्रेटजी में हमें ट्रेड करना है। लेट सपोज मैं मनी मशीन को चूज़ करता हूँ। मनी मशीन हमारी इंट्राडे की स्ट्रेटजी है जो बैंक निफ्टी पे अच्छा काम करती है। अभी क्या है, जब हम मनी मशीन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका डेटा आ जाएगा। नीचे आप देख सकेंगे सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि NBCC में बता रहा है कि 1.42 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है और 69.2% एक्यूरेसी है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बता रहा है कि 69% एक्यूरेसी आ रही है दोस्तों, और पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट जो है वो है 6399। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो ये बैंक निफ्टी के सारे सिग्नल्स को उठा के ले आएगा और आपको बताएगा कि क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। 200 सिग्नल्स का डेटा है, टोटल प्रॉफिट 6399 पॉइंट है, टोटल एक्यूरेसी जो है वो 69% है। इसके अलावा जो इसके लास्ट सिग्नल हैं वो सारे सिग्नल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे तक जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसको डाउनलोड करना है, मैं अपने हिसाब से देखूंगा ड्रॉबैक क्या आया कैसे आया, तो आप जा सकते हैं परफॉर्मेंस के पेज पे। परफॉर्मेंस के पेज पे जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रेटजी का नाम, उसके बाद सिंबल का नाम, और उसके बाद आप दबाएंगे एक्सपोर्ट का बटन। जैसे ही आप एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे नीचे आप देखेंगे कि स्ट्रेटजी एक्सपोर्ट हो गई है। उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हो। इसमें सारे सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा कब कब आया था, कब क्या बाय हुआ, कब क्या सेल हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन टोटल डेटा यहाँ पर अवेलेबल 200 सिग्नल का। उसको देख के आप उसके हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, कितना ड्रॉबैक आया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आप
नॉर्मली अपने एक्सेल पे कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्ट्रैटेजी का। अब क्या है कि आपको स्ट्रैटेजी अगर लगानी है, अगर आप चाहते हैं, आपने चूज़ कर लिया भाई मेरे ये सिंबल बढ़िया काम कर रहे हैं और इन सिंबल्स पे मुझे ट्रेडिंग करना है, तो आगे आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर करना है वो है अपने ब्रोकर को लिंक करना हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा ऑथेंटिकेशन के टैब में। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ब्रोकर अलग अलग। ये ब्रोकर्स की लिस्ट है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इन ब्रोकर्स में से कोई भी ब्रोकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग होगी। मेरे पास यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ें डालने के बाद, क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, आपको करना होगा गेट एक्सेस पे टोकन पे क्लिक। गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करने के बाद अगर ये आपको रीडायरेक्ट करके वापस हमारे प्लेटफॉर्म पे ले आए, इसका मतलब आपका टोकन जो है आपको मिल गया है। अगर ये कुछ एरर देता है, कुछ मैसेज देता है आपको, दैट मींस आपको टोकन नहीं मिला, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप एंजल ब्रोकिंग में कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा काम है वैलिडेट टोकन पे क्लिक करना। वैलिडेट टोकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक टोस्ट दिखाई देगा। ये टोस्ट का मतलब है कि आपका टोकन वैलिड है। अगर यहाँ पर टोस्ट आता है टोकन इज इनवैलिड, दैट मींस आपका टोकन वैलिड नहीं है और आपकी ट्रेडिंग प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये काम है सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट। डेली आपको आना है 8:30 से 9 के बीच या 8 बजे से 9 के बीच आप आ सकते हो और यहाँ पर आके आपको गेट एक्सेस टोकन और वैलिडेट टोकन पर क्लिक करना। सिर्फ 2 बटन दबाने, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट का काम है। तो ये सब करने के बाद आपको कहाँ जाना है दोस्तों, आपको जाना है स्ट्रैटेजी के टैब में, और स्ट्रैटेजी के टैब में आपको जाना है कस्टमाइज स्ट्रैटेजी के टैब में। तो जब आप कस्टमाइज स्ट्रैटेजी के टैब में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कस्टमाइज स्ट्रैटेजी का ऑप्शन, जिस ऑप्शन में आपको क्रिएट अ सिंबल का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप क्रिएट अ सिंबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है स्ट्रैटेजी जिसमें आपको ट्रेड करना है। जैसे मनी मशीन की स्ट्रैटेजी पर मुझे ट्रेड करना है तो मैं मनी मशीन सेलेक्ट करूँगा। अब मान लीजिए मुझे निफ्टी पर ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर सिंबल लिखूँगा, सिंबल का नाम होगा निफ्टी, और एक्सपायरी देखनी पड़ेगी हमें कब, लास्ट वीरवार की एक्सपायरी होती है, तो लास्ट वीरवार 27 तारीख को है। यहाँ पे लिखेंगे हम 27, उसके बाद लिखेंगे हम मे, उसके बाद फ्यूचर, सॉरी 21 फ्यूचर। तो ये इनके सिंबल के जो फार्मूलाज हैं कि आपको ब्रोकर से पता चल जाएंगे, आपको वहाँ पर देख के पता चल जाएगा, जो भी वहाँ पर लिखा होता है वही हमें यहाँ लिखना है। निफ्टी का 27 मई का फ्यूचर लेट सपोज मुझे चाहिए, तो मैंने 27 मई का निफ्टी का फ्यूचर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे जो आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है, प्रोडक्ट में आप रेगुलर ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर जो भी आपको करना है उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर करना चाहते हो तो फिर आपके ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर के स्टॉप लॉस और टारगेट आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे प्लेटफॉर्म से स्टॉप लॉस टारगेट आते हैं वो ब्रैकेट ऑर्डर में काम नहीं करेंगे, आपको अपने हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप हमारे दिए हुए स्टॉप लॉस टारगेट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर ऑर्डर ही यूज़ करना होगा। उसके बाद आ गया ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में आपको नॉर्मल MIS, यानी कि अब स्ट्रेटजी इंट्राडे काम करती है तो MIS ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद निफ्टी का जो भी क्वांटिटी 50 लिखना 50 लिख देंगे, 75 लिखना 75 लिख देंगे, जो भी लिखना है इस तरीके से लिख के। उसके बाद नीचे जो ट्रेड टाइप आ रहा है, ट्रेड टाइप में है मार्केट लिमिट और SLM। हमें मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, कई बार हमने ऑर्डर डाल दिया, वो लिमिट करके चला गया और मान लो प्राइस जो है जंप हो गया, ऊपर नीचे चला गया, तो फिर वो ऑर्डर नहीं लगेगा, तो वो प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए हमें मार्केट ऑर्डर ही यूज़ करना है। उसके बाद स्टॉप लॉस ऑन, स्टॉप लॉस अगर हमें रखना है तो स्टॉप लॉस ऑन करेंगे, नहीं रखना तो ऑफ करेंगे। टारगेट ऑन, टारगेट स्टॉप लॉस। टारगेट इसमें मनी मशीन में सिर्फ एक टारगेट है, आप देखेंगे दूसरा तीसरा टारगेट पर अगर आप क्लिक करेंगे कुछ काम नहीं करेगा, तो इसमें सिर्फ टारगेट 1 ही काम करता है, टारगेट 2 टारगेट 3 काम नहीं करता। सिंगल टारगेट सिंगल स्टॉप लॉस पे इंट्राडे स्ट्रेटजी है, और इसको हम जो है सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड पे एक हमारे को सिंबल का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस सिंबल के नाम पे जब हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, क्लिक करने के बाद तो अब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया दोस्तों, क्योंकि रेड कलर का बटन आ गया तो स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि ये उस ऊपर भी आप देखेंगे गोल गोल सा रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस बटन का मतलब है दोस्तों कि अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सिग्नल आपको नहीं मिला है। जैसे कोई सिग्नल हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको मिलेगा, ये बत्ती जो है ग्रीन की जगह रेड की जगह ग्रीन हो जाएगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि नया सिग्नल जनरेट हो गया है, और तब आप जाके अपने प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों कि किस तरीके से आपको कस्टमाइज़ करना है। यहाँ पर अलग अलग हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के अलग अलग हीट मैप हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी पे आप सेलेक्ट करोगे उसका हीट मैप खुल के आपके सामने आ जाएगा। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे करोगे तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बता देगा कि कौन कौन से सिंबल पे अच्छा काम कर रहा है। जैसे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर में क्या होता है दोस्तों कि एक्यूरेसी आपको ज़्यादा खास बढ़िया नहीं मिलेगी, क्योंकि मूविंग एवरेज में क्या होता है कि वो अप्स एंड डाउन्स पे काम करता है, अप्स एंड डाउन्स पे काम करता है। तो क्या होता है कि एरो टू एरो चलती हैं चीज़ें, एरो टू एरो चलती हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस जो है वो ज़्यादा लगते हैं,
लेकिन क्या होता है कि जब ट्रेंडी मूवमेंट होती है तो एक ही मूवमेंट बहुत अच्छी खासी दे देती है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर भी ध्यान देना होगा। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम एक्यूरेसी को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, और भी किसी भी स्ट्रेटजी पे आप जाके देख सकते हैं, इंट्रामैक्स पे देखना चाहते हैं इंट्रामैक्स पे देख सकते हैं। इंट्रामैक्स पे जो एक्यूरेसी आपको यहाँ पे दिखेगी, अभी यहाँ पे आ रहा है सारा डेटा, आएगा थोड़ा वक्त लेता है, जैसे 63% सिल्वर में 16,800 पॉइंट का प्रॉफिट है, गोल्ड में 14,050 पॉइंट का प्रॉफिट है, कोलपाल में 726 पॉइंट का प्रॉफिट है, सिल्वर मिनी में 25,000 का प्रॉफिट है। इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स मिल रहे हैं हमें, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इनके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो पोजिशनल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन था दोस्तों, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, ये ऑप्शन है स्ट्रेटजीज़ का, किस तरीके से स्ट्रेटजीज़ को चूज़ करना है, किस तरीके से लगाना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अगर आप सिग्नल्स के टैब में जाएंगे, यहाँ पे सिग्नल का टैब है, अगर यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रेटजी सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर दिया इंट्रामैक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये बताएगा कि जो जो रनिंग सिग्नल्स अभी चल रहे हैं किसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ये सिल्वर मिनी का एक सिग्नल चल रहा है, उसमें 117 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, सिल्वर माइक्रो में 92 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, लीड में 25 पैसे का प्रॉफिट मिल रहा है, ये कुछ लॉस में चल रहे हैं, श्री सीमेंट कॉपर 1.20 रुपये, और गोल्ड मिनी आपका 48 रुपये। तो इस तरीके से ये जो सिग्नल्स हैं ये चल रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉफिट के सिग्नल्स हैं, कुछ लॉस के सिग्नल्स हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है लाइव सिग्नल्स की। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा सिग्नल अभी चल रहा है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिग्नल्स के टैब में मिल जाती है। उसके अलावा दूसरा टैब जो मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस का, अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी पे किसी भी सिंबल की क्या परफॉर्मेंस है, कितने सिग्नल आए, क्या हुआ, तो आप सीधा सिंपली यहाँ पे स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कीजिए। कोई भी स्ट्रैटेजी, आप जिंगारा सिलेक्ट कीजिए, आप एल्यूमिनियम मिनी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो उसका डेटा जो है निकल के आपके पास आ जाएगा। एल्यूमिनियम मिनी तो भी चल नहीं रहा, हम ACC कर लेते हैं, ठीक है, तो जैसे हम ACC पे क्लिक करेंगे ये डेटा लाएगा, 200 सिग्नल में 1880 पॉइंट की ये आ गया कि 200 सिग्नल में 1880 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट आ रहा है, 42% की एक्यूरेसी है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ डिटेल डाटा आपको दिखा रहा है कि किसमें कितने पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है 0.19 पॉइंट का पैसे का स्टॉप लॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाती है, लाइव रनिंग सिग्नल्स देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, हीट मैप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बढ़िया है, उसको लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई वो थी दोस्तों हमारी प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेडिंग करने के लिए, जो हमारा MT4 ब्रिज के साथ जस्ट किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे ढंग से। तो उसके लिए बेटर यही रहेगा कि हम एक और नई वीडियो बनाएं, नई वीडियो में आपको समझाएं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। मैं आशा करता हूं कि एल्गो क्रैप के बारे में जो भी मैंने आपको अभी समझाया वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिए हुए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। बेसिकली मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझा पाऊँ, और मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।